तो आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। यहाँ पर देखिए, हमने इसको 1 से 2 घंटे पहले इसको हम भिगो कर रख दिए थे। तो यहाँ गर्म पानी में हमने इसको भिगो दिया था और ये अच्छे से देखिए फूल गया है। तो इसको हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे, इसको हम हाथ से ऐसे मसल के पूरा इसका जो ये है सब निकाल देंगे। तो यहाँ पर इसको हमने अच्छे से मसल लिया, अब हम इसको छान लेंगे। इसी में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पूरा निकल जाए। ठीक है, इसका जितना भी था छिलका सारा निकल गया है अच्छे से। और ये देखिए हमने छान लिया, तो जितना हमको चाहिए था गाढ़ा, ये उतना ही गाढ़ा है। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 पिंच हींग। और जैसे ही हींग पक जाएगा तो इसमें जो हम इमली का पानी है ये हम डाल देंगे। और इसको थोड़ी देर तक हम पहले पकाएंगे। अब यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच रेगुलर नमक, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। और अब हम इसको पका लेंगे थोड़ा गाढ़ा होने तक। और इसको हम थोड़ा सा तीखा करने के लिए यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च कुटी हुई। इसको चलाते हुए अच्छी तरीके से पका लेंगे हम। तो आप इस तरीके से एक बार चटनी बनाएंगे तो आप इसको स्टोर करके 6 महीने तक आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको पका रहे हैं, अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें उबाल आ गया है, थोड़ा ये गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे गुड़ छोटा टुकड़ा करके और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे शक्कर और इसको हम पका लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए चटनी हमारी काफी गाढ़ी हो चुकी है, तो अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 1 दिन के बाद की वीडियो है, चटनी कितनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है और इसका कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है। तो आप एक बार इस तरीके से ट्राई जरूर करिएगा, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है ये चटनी। तो आप इसको किसी के भी साथ, टिक्की के साथ या तो फिर पराठा पूड़ी के साथ, आप किसी के भी साथ इसको आराम से खा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक बार ऐसे आप भी बना के ट्राई जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।